देखिए, हमारा सभी वार्ड में हमने मैन करना शुरू कर दिया है। अभी जो मेजर स्टेट है, लगभग हरियाणा से जो है हमारा इसमें कांवड़ियाँ लगभग जो 30% आते हैं, और यूपी से 26% आते हैं, और जो सीमावर्ती हमारा राज्य है इनके साथ हमारा आईजी महोदय का अध्यक्षता में जो है परसों एक मीटिंग भी हमने करा दी। उसमें सभी राज्य ने जो है यूपी, हरियाणा, हिमाचल सभी ने अपना सहयोग प्रदान करके हमें आश्वासित किया है। अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने पीएसी तैनाती शुरू कर दिया है, और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफ़ी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। और दूसरा, यदि कोई कांवड़े ऐसे आते हैं बॉर्डर से, उनके वापस किया जाएगा। यदि किसी अन्य रूप में आके यहाँ कांवड़े का वेश पहने जाएंगे तो फिर उनका क्वारंटाइन का भी प्रावधान है, उनका विधिवत कार्रवाई भी हम करेंगे। और इसका अतिरिक्त जो है हमने डीएम साहब से अनुरोध करके जो है रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में शटल बसेस के लिए भी प्रावधान कर रखा, ताकि जो है इनका जल्दी से जल्दी जो है हम जो है सम्मान तरीके से जो है इनको हमारा बॉर्डर पार करके इनको पास कर सकते हैं। अभी तक जो है हम बॉर्डर में जो है केवल नासना और हमारा भवानपुर बॉर्डर में दो कंपनी पीएसी हमने तैनात कर दिया 24 घंटे के लिए। अभी और फोर्स आज शाम तक हमें मिल जाएगा, उसका आते हुए जो है और बॉर्डर को जो है हमारे द्वारा मजबूत किया गया। इसी हर की पैड़ी में भी जो है हम जो है उसको सेंटर प्रतिबंधित एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रखेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा अभी हमारा शहरा और देहात क्षेत्र को 4 सुपर जोन में हमने बांटा है। उसमें 2 एडिशनल एसपी जो है बाहर से भी मिले हैं, इसका अतिरिक्त 17 सेक्टर में हमने बांटे हैं, तो उसमें भी हम गेस्ट ऑफिसर का तैनाती कर रहे हैं। उसमें हरकीपड़ी भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके लिए हम गेस्ट ऑफिसर तैनात कर रहे हैं। तो लगातार जो है उसमें भी जो श्रद्धालुओं का मूवमेंट है उसको हम जो है मॉनिटर करते रहेंगे, और विधिवत कार्रवाई भी करेंगे जो भी कोविड नियम का उल्लंघन करता है तो, और उसका अतिरिक्त हरकीपड़ी का एंट्री रेस्ट्रिक्ट करके कोविड नियम का 100% पालन करने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे।